दिल्ली को अंबाला होकर चंडीगढ़ अमृतसर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली से उत्तर में लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर बसा है घरौंडा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हरियाणा राज्य के करनाल जनपद में सम्मिलित घरौंडा करनाल जनपद के 4 उपमंडलों एवं 5 तहसीलों में एक है। घरौंडा के स्थानीय वाहनों को HR 91 क्रमांक से पंजीकृत किया जाता है। जिला मुख्यालय करनाल से दक्षिण में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा घरौंडा शहर वर्तमान में लगभग 48,000 की जनसंख्या के साथ करनाल जनपद में करनाल के पश्चात दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। साथ ही यह करनाल डिवीजन का 6ठा सबसे बड़ा शहर भी है। शहर में विकास कार्यों में सुलभता हेतु नगर पालिका घरौंडा का गठन किया गया है। कानून एवं शांति व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु घरौंडा में पुलिस थाना भी स्थापित किया गया है। घरौंडा से गुजरने वाला दिल्ली अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग शहर को महत्वपूर्ण बनाता है। घरौंडा से होकर दिल्ली अंबाला मुख्य रेल मार्ग भी गुजरता है। घरौंडा रेलवे स्टेशन पर स्थापित कुल 2 प्लेटफार्मों पर कुल 16 रेलगाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। यहाँ से दिल्ली करनाल अंबाला पानीपत आदि को रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। घरौंडा रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत सम्मिलित है। शहर के अग्रसेन चौक के निकट स्थित देवी मंदिर घरौंडा शहर में आस्था का मुख्य केंद्र बिंदु है। घरौंडा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी करनाल जनपद में करनाल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बाजार है। यहाँ बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण एवं शहर के लोग खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। रेलवे रोड एवं मेन बाजार घरौंडा में मुख्य व्यापारिक केंद्र हैं। घरौंडा बस अड्डा से आसपास के मुख्य शहरों समेत दिल्ली पंजाब आदि को सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। शहर में स्थित मुगल सराय का ऐतिहासिक परिसर घरौंडा के स्वर्णिम इतिहास की गाथा प्रकट करता है। शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित यह मुगल कालीन सराय शहर में आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रहती है। घरौंडा ब्रिटिश काल में ब्रिटिश पंजाब राज्य के करनाल जनपद की करनाल तहसील के अंतर्गत सम्मिलित था। देश स्वतंत्र हुआ तो घरौंडा करनाल समेत भारतीय पंजाब राज्य के हिस्से में आया। 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया तो घरौंडा भी करनाल समेत हरियाणा राज्य का अंग बन गया। वर्तमान में घरौंडा करनाल जनपद के 4 उपमंडलों एवं 5 तहसीलों में एक है। तेजी से विकसित होता घरौंडा शहर बड़े व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। घरौंडा करनाल जनपद अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी करनाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। घरौंडा जैसे ऐतिहासिक शहर में आना एवं इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। घरौंडा पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो घरौंडा शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।